नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूं। मैं बच्चों का चेस्ट एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूं चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में। क्या आपके बच्चे का अस्थमा नियंत्रण में है, वेल कंट्रोल्ड है? इस वीडियो में हम आज इसी चीज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अस्थमा एक लॉन्ग टर्म लंबी रहने वाली बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है। ये देखा जाता है कि वर्ल्ड ओवर 10-15% बच्चों को अस्थमा वाली बीमारी परेशान कर रही होती है। इसमें बच्चों को खांसी आना, चेस्ट में कंजेशन होना, वीजिंग होना, पसली चलना, सांस फूलना जैसी परेशानियां होती हैं। कुछ कुछ बच्चों को अस्थमा के दौरे भी आते हैं जिसमें ये सारी चीजें अचानक से बढ़ जाती हैं और उस वक्त बच्चों को ट्रीटमेंट में एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। यदि बच्चे को प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसका अस्थमा सही से नियंत्रित रह सकता है और उसको कोई भी सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे और अस्थमा के दौरे भी नहीं आएंगे। लेकिन दुनिया भर में देखा गया है कि अधिकतर बच्चों को जिनको अस्थमा की परेशानी है उनका अस्थमा नियंत्रित नहीं होता। बच्चों को खांसी की परेशानी रहती है, बच्चों को सांस फूलने की परेशानी रहती है, बच्चे खेल नहीं पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं और उनको अस्थमा के दौरे भी आते रहते हैं। पहले ये समझते हैं कि अस्थमा को हम वेल कंट्रोल्ड या नियंत्रित कब कहते हैं। एक वेल कंट्रोल्ड अस्थमा या एक नियंत्रित अस्थमा का मतलब है कि बच्चों को कोई भी लक्षण नहीं होने चाहिए। उन्हें कोई भी रेगुलर में खांसी होना, सांस फूलना, चेस्ट में कंजेशन होना, वीजिंग होना, ऐसी कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को रात में अच्छे से सोना चाहिए, किसी कारण से भी रात को सांस की तकलीफ से, खांसी से नहीं उठना चाहिए। बच्चों की स्कूल अटेंडेंस पूरी रहनी चाहिए और साथ ही में बच्चों को अस्थमा के दौरे नहीं आने चाहिए। इस चीज को हम नियंत्रित अस्थमा या वेल कंट्रोल्ड अस्थमा कहते हैं। अब ये समझते हैं कि अस्थमा का नियंत्रण क्यों जरूरी है। यदि बच्चे का अस्थमा नियंत्रित रहता है, वेल कंट्रोल्ड रहता है, तो उनके सांस के रास्तों में जो स्वेलिंग होती है एलर्जी के कारण, जो सूजन होती है, वो बिल्कुल अच्छी रहती है। सांस के रास्ते बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। ऐसी सिचुएशन में बच्चों को सिम्टम्स या लक्षण नहीं होंगे, बच्चे बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। अगर हम उनका ब्रीदिंग टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे तो लंग फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आएंगे, विच मींस उनकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। यदि बच्चों का अस्थमा नियंत्रित नहीं है और हम लंग फंक्शन टेस्ट या ब्रीदिंग टेस्ट करेंगे तो लंग फंक्शन टेस्ट की वैल्यूज कम आएंगी। जो तीसरा फायदा है एक नियंत्रित या वेल कंट्रोल्ड अस्थमा का, वो ये है कि अस्थमा के दौरे बार बार बच्चों को नहीं आएंगे, उनकी तबीयत खराब नहीं होगी, उनको इमरजेंसी नहीं जाना पड़ेगा, उनको हॉस्पिटल एडमिशन प्रिवेंट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि बच्चों का अस्थमा नियंत्रित रहे, वेल कंट्रोल्ड रहे। ऐसे क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है कि बच्चों का अस्थमा नियंत्रित नहीं होता? इसके कई कई अलग कारण होते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि अस्थमा का जो डायग्नोसिस है, निदान है, वो ही ठीक नहीं है। बच्चे को अस्थमा है ही नहीं लेकिन उसे हम अस्थमा की ट्रीटमेंट चला रहे हैं। यानी बच्चों को कुछ और भी डायग्नोसिस हो सकते हैं, कुछ और भी बीमारियां हैं जिनमें चीजें वैसी ही लगती हैं अस्थमा की तरह लेकिन होता कुछ और है। ऐसी कुछ बीमारियां हैं ब्रोंकियोलिटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सीलियरी डिस्काइनेसिया।
छोटे बच्चों में कई बार सांस के रास्तों में कोई फॉरेन बॉडी अटकी भी होती है, जैसे कोई मूंगफली, चना, इस तरह की कुछ चीज। कुछ बच्चों को ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस की भी समस्या होती है। ऐसे काफी बच्चे हैं जिनको एस्थमा तो है लेकिन वो नियंत्रित नहीं है, डायग्नोसिस निदान ठीक है लेकिन फिर भी नियंत्रित नहीं है। ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं? जो सबसे कॉमन चीज हम देखते हैं वो है कि बच्चों को इनहेलर ठीक से नहीं मिलते, या तो वो नेबुलाइजर लेते रहते हैं या इनहेलर लेते हैं लेकिन रेगुलर तरीके से नहीं लेते, रोजाना नहीं लेते, सही डोज में नहीं लेते। उसके अलावा एस्थमा नियंत्रित ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि इनहेलर के साथ हम स्पेसर यूज नहीं करते, या करते हैं लेकिन उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इनहेलर और स्पेसर से दवा लेने की जो टेक्निक है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तभी दवा का पूरा इफेक्ट आता है। एक और कॉमन कारण है कि एस्थमा नियंत्रित नहीं है कि साथ में बच्चों को कुछ और एलर्जीज भी हैं जिसका हमने ट्रीटमेंट नहीं किया है। कुछ बच्चों को आंखों की एलर्जी या नेजल एलर्जी, नाक की एलर्जी रहती है जिस कारण से उनको बलगम बनता रहता है और रेशा गले में पीछे गिरता रहता है और बच्चों को खांसी दिख चलती रहती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से एस्थमा नियंत्रित नहीं होता। ये समझते हैं कि यदि बच्चे का एस्थमा नियंत्रित नहीं है तो हम उसका डायग्नोसिस निदान कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत रही है, क्या बीमारी रही है, किस एज पे स्टार्ट हुई है, क्या क्या परेशानियां आती हैं। पहले बच्चे को क्या क्या ट्रीटमेंट मिले हैं, क्या जांच हुई है? इससे काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाती हैं कि बच्चों में क्या परेशानी चल रही है। कुछ बच्चों में हमें फर्दर टेस्टिंग की नीड होती है। जो दो कॉमन टेस्ट हैं जो ज्यादातर रिक्वायर्ड होते हैं, एक है लंग फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या ब्रीदिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं। बड़े बच्चों में ये स्पायरोमेट्रिक की फॉर्म में होता है और छोटे बच्चों में एक इजियर टेस्ट अवेलेबल है जिसको इम्पल्स ऑसिलोमेट्री कहा जाता है। इसके अलावा एक एलर्जी टेस्ट है जिसको स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि बच्चे को एस्थमा किस कारण से। कुछ एडिशनल टेस्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है कुछ बच्चों में जिसमें हमें लगता है कि यह एस्थमा नहीं है। सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, स्विट क्लोराइड टेस्टिंग, ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनकी कभी कभी नीड होती है। यदि बच्चे का एस्थमा नियंत्रित नहीं है और हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये एस्थमा ही है तो हम आगे क्या करते हैं? अगर एक बार ये निदान हो गया है, डायग्नोसिस हो गया है लंग फंक्शन टेस्ट से कि ये एस्थमा है, तो हम सबसे पहले पेरेंट्स की, फैमिली की एजुकेशन पर ध्यान देते हैं कि उनको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए कि एस्थमा क्या है, उसमें क्या होता है, क्या दवा देनी है, कितनी डोज में देनी है, किस तरह देनी है। और हम सबको ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि इनहेलर और स्पेसर को सही तरीके से कैसे लिया जाता है। पेरेंट्स को, बच्चों को ये भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि उनको अपने एलर्जेंस और ट्रिगर्स से, जो कि हमने एक स्किन प्रिक टेस्ट से आइडेंटिफाई करे हैं, उनसे हम कैसे बच सकें, उनका एक्सपोजर हम कैसे कम से कम कर सकें। और तीसरा, हम सारे बच्चों को, पेरेंट्स को ये भी सिखाने की कोशिश करते हैं कि यदि बच्चे की तबीयत खराब है तो आपको उस वक्त क्या करना है, क्या एडिशनल मेडिसिन देनी है, किस वक्त हमको वापस दिखाना है, किस वक्त आपको हॉस्पिटल जाने की नीड है। काफी बच्चों में हमें मेडिसिन एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, उनके इनहेलर की डोजेस को चेंज करना पड़ता है या कुछ ऐड करना पड़ता है। और ओकेजनली कुछ बच्चे होते हैं जिनको कुछ एडिशनल मेडिसिन जैसे कि ओमालिजुमैब की भी जरूरत पड़ सकती है। तो यदि आपके बच्चे का एस्थमा नियंत्रित नहीं है तो आपको एक पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट या एक पीडियाट्रिक एलर्जिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए, बच्चे का सही डायग्नोसिस कराना चाहिए, लंग फंक्शन टेस्टिंग, एलर्जी टेस्टिंग करानी चाहिए और पूरी तरह सलाह में ट्रीटमेंट करना चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट अंकितपालक.com पर लॉगिन भी कर सकते हैं।